राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार का विषय मुख्यमंत्री का है और वो ही इस पर निर्णय लेंगे। मंत्री गर्ग ने कहा कि अगर दलितों को लेकर विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को शिकायत है तो उन्हें मुख्यमंत्री को लिख कर देना चाहिए। साथ ही राजस्थान में अब वैदिक संस्कार बोर्ड बनेगा। इधर मंत्री सुभाष गर्ग ने अपने ट्वीट पर कहा कि उन्होंने ये ट्वीट मौसम को लेकर किया था। टीचर का है, ये जो गर्मी और बरसात का मौसम आता है, जब यहाँ लॉन में बैठा रहता हूँ मैं, तो यहाँ इन जो है चिड़ियाएं और मोर खूब आते हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब यहाँ बैठे रहते हैं तो इस तरह के विचार आते हैं। पहले भी मैंने एक ट्वीट किया था, सत्य ही ईश्वर है, और इसी तरह से एक ट्वीट किया तो निश्चित रूप से होता है। जब गर्मी आती है तो परिंदे आप देखते हैं इधर उधर भरते हैं, छाया भी देखते हैं, पानी की तलाश में जाते हैं, तो वो एक एक स्वाभाविक एक नेचर के प्रति वो था उसमें। अगर वो उनके कोई ऐसी भावना है क्या दिक्कत, ये लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना अधिकार है बोलने का। भाई एक जी वेद प्रकाश सोलंकी के जो आरोप हैं, क्या उनसे आप कितना इत्तेफाक? ये वेद प्रकाश सोलंकी से पूछ, नहीं उन्होंने आरोप लगा दिया था आप पर, आरोप लगा SC ST के साथ नाइंसाफी कर रही है, ये बताएं वो लिखित में नए मुख्यमंत्री जी को आला कमान को क्या नाइंसाफी।